राम राम दोस्तों, मैं हूँ एस्टेक मारवाड़ी और आज भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है पूरे राजस्थानी सोशल मीडिया कम्युनिटी से, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कॉमेडियन पंकज शर्मा के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, कॉमेडियन पंकज शर्मा इस बार चुनाव लड़ने वाले सरदारपुरा विधानसभा सीट से, और आपको पता होगा सरदारपुरा विधानसभा सीट से सीएम अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं और इस बार पंकज शर्मा उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। और साथ ही पंकज शर्मा ने बीजेपी से टिकट की मांग भी की है। रिसेंटली पंकज शर्मा का एक इंटरव्यू आउट हुआ है राजस्थान तक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर पंकज शर्मा ने चुनाव के बारे में बात की है। उस इंटरव्यू का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निकू बना के बारे में। तो निकू बना के साथ हो गया एक फ्रॉड। दरअसल निकू बना ने रोड साइड से एक पावर बैंक खरीदा था, जिसको लेकर उनके साथ एक स्कैम हो गया। उसी को एक्सपोज करते हुए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की। मैं आपको उनके वीडियो की छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ, बाकी पूरा वीडियो देखना था आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी क्योंकि मेरा फोन थोड़ा डिस्चार्ज था और मेरे को नीड थी पावर बैंक की, तो फिर मैंने ले लिया। फिर एक दो दिन ये चला, ठीक है, फिर क्या एक मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होने लग गया ये पावर बैंक डालते ही, तो मेरे को कुछ गड़बड़ लगी। तो मैं सबके सामने खोलना था, तो मैं वीडियो स्टार्ट करके फिर आपके सामने खोला और आप देख रहे हो क्या था इसके अंदर। ये इसके अंदर सेटअप किया हुआ था, ऊपर बैटरी थी और ये था। तो भाई साहब ऐसी चीज़ों से आप दूर रहे, अगर मिल जाए फिर भी उनके सामने खोलना और एक मारना झपाट, क्योंकि लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर हो सकता तो मैं ज़्यादा नीड थी तो मैं 1000 रुपये दे सकता था इनको, बट मेरे को नहीं लगा कि थोड़ा, तो मैंने लिया, बट ये है प्रॉब्लम, देख लो आप। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में, जो कि आप सभी ने इंस्टाग्राम पर देखा ही होगा और इस समय स्क्रीन पर भी चल रहा है। इस तरह बाइक पर स्टंट करना इस बाइक को भारी पड़ गया। दरअसल ये वीडियो खरनाल मेले का है और ये व्यक्ति बाइक के साथ रोड पे स्टंट कर रहा था। अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए उस युवक को अरेस्ट कर लिया। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में जरूर। आगे बढ़ते और बात करते हैं बावले छोरों के बारे में। तो वो एक नया यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं, इसी बारे में अपडेट देते हुए उन्होंने अपने कम्युनिटी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, एक नया चैनल खोलने की सोच रहे हैं जिसमें लगातार कुछ न कुछ रोमांचक एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, ताकि आप लोगों को भी देखने में मजा आए और एक्सपेरिमेंट करने में हमें भी मजा आए। जल्दी से कमेंट करके बताओ पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया जाए। जय राम जी की। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं बीकानेरी लक्षा के बारे में। तो उन्हें इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज वगैरह करके कमेंट में गाली वगैरह दे रहा था और साथ ही धमकी भी दे रहा था, तो उसी के मैसेज और कमेंट का स्क्रीनशॉट उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आगे बढ़ते और बात करते हैं काकू उगड़ अंबानी के बारे में। तो उनका भी एक न्यू वीडियो आने वाला है, तो उसी बारे में अपडेट देते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए कहा, भाई करो कर दो धमाको, वर्क इन प्रोग्रेस। तो कौन कौन काकू ओगड़ अंबानी के न्यू वीडियो का वेट कर रहा है कमेंट में जरूर से बताना। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं प्रिया गुप्ता के बारे में। तो उनको इंस्टाग्राम पर ब्रॉडकास्ट चैनल बनाना है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं आया, तो इसी बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए कहा, ब्रॉडकास्ट चैनल ऑप्शन अभी तक नहीं आया हमारे, कोई बताएगा कैसे ऑन होगा। तो भाई किसी को पता हो तो उन्हें डीएम करके बता देना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और राजस्थानी सोशल मीडिया कम्युनिटी से जुड़ी न्यूज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए राम राम सर।